कम रेंज हो, आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक कारण है, बहुत फ़ोन आ रहा था, बहुत कॉल्स आ रहे थे कि सीखने वाला वीडियो बनाने के लिए, कि हम सीखना चाहते हैं और अब क्लास क्यों नहीं कराते हैं। तो मेरे पास तो टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सोचे कि थोड़ा बहुत उसी में थोड़ा सा टाइम निकाले इसके लिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर का बहुत महत्व है। आप जब मेरे चैनल पे इतना सारा वीडियो देखते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे, इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं, तो सोचे कि थोड़ा सा तो ज़रूर बनता है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाले हम। लेकिन अब इसके लिए आप लोगों को हमको कंटिन्यू वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे। तो आज पहला वीडियो बना रहे हैं हम, इधर दिखाइए। क्योंकि होता क्या है बैंजो में, मेरे ख्याल से, क्योंकि हम अपने हिसाब से, सबका बजाना अलग बात है और सिखाना अलग बात है। टीचिंग बहुत टफ चीज़ है, पता नहीं कि हम इसमें खरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, लेकिन जितना हमें समझ में आता है उतना तो ज़रूर कोशिश करेंगे हम बताने के लिए। क्या होता है जब हम लोग सारे गाँव बजाते हैं, हारमोनियम सीखते हैं या फिर बैंजो सीखते हैं या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं हम लोग, ये मेलोडी वाला, तो हारमोनियम के लिए भी यहाँ पे रखे हैं हम, लेकिन इससे नहीं बताएंगे, बैंजो से ही बताएंगे। जब हम लोग सारे गाँव सीखते हैं, सबसे पहले ये ना सीखते हैं हम लोग, जब सारे गाँव सीखते हैं हम लोग, तो सुर का पहचान कराया जाता है, परिचय कराया जाता है। तो अगर हारमोनियम से सीखते हैं हम लोग, तो सारे गाँव ये बताया जाता है, यहाँ से ये हमारी पहली काली हो गई, ये दूसरी काली, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ऐसे। और यहाँ से जब कि नहीं बताएंगे हम यहाँ बैंजो से बताएंगे, क्योंकि ये जहाँ से अगर हम कोई गाना वाना बजा रहे हैं, तो जिस सुर से हम गाना शुरू करते हैं उसको सा मान लेते हैं, उसको सा मान लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से बजाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ये सुर हो गया मेरा, थोड़ा सा अंटी लग गया, इसको सा अगर मानते हैं हम लोग, तो ये हो गया रे, जब हम लोग बजाते हैं देखिए, ये सा, सबसे पहली बात, ये जब सा हमारे, तो जब ये दबाएंगे ना उसी टाइम स्टॉप मारना, ये जब हम ये दबाएंगे उसी टाइम स्टॉप मारेंगे, तरफ से मारें या फिर दो तरफ से मारें, जब स्लो बजाएंगे हम, क्योंकि धीरे धीरे बजाएंगे, स्पीड बहुत स्लो होगा, तो ऐसे मारें, अब इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो शुरू में यही ध्यान देना है, सबसे
इम्पोर्टेंट बात ये है कि शुरू में सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, उंगली पे। अगर इस उंगली का रख रखाव शुरू में सही नहीं होगा तो फिर बाद में बहुत मुश्किल होगा। चार्ट हो सारे गमा यही चार वोट के आ रहे हैं, एक दो तीन चार। यही चार वोट के आ रहे हैं, बस इसका जरूरत नहीं है ये वाला उंगली, यही चार उंगली से हो जाए। धीरे धीरे इसको बनाएंगे उंगली, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते स्पीड। इन चारों में सारे गम ये बजा के और ई बजा के सारे गम तक इतना जल्दी उठाना है कि पता नहीं चले कि हम बीच में गैप हुआ है मेरा। गैप हुआ है लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि गैप हुआ, ये चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक बार जब हम सा करते हैं तो ये मेरा सम हुआ। अब बराबर जब भी बजाना है तो बराबर बजाना है, मतलब बराबर मतलब वो टेम्पो एक होता है, एक स्पीड होता है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा, ये होता है ना। एक दो तीन चार, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा, सारे गम प ध नी सा सा नी द प म ग नी सा। तो ये बराबर होना चाहिए हमेशा जब भी बजे तो। और क्या है ये जो ये हम इस पे बजा रहे हैं, हम इससे लेंगे। ये समझने वाली बात है, इसको बहुत गहरा से समझिएगा। हाँ, और जब हम यहां से चल रहे हैं तो जहां भी अगर यहां एक लग रहा है और यहां भी एक लग रहा है, के बाद फिर एक यहां भी लग रहा है, तो जहां भी एक लग रहा है वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा दबा के थोड़ा सा तीज मारना है, ये चीज थोड़ा सा दबा के मारना है। दबा के मारने से क्या पता होगा कि हम आपको जो सम है एक वो दिखा देते हैं। हालांकि ये बहुत आगे आप लोगों को काम आएगा, देखिए हम बहुत ज्यादा बता दिए इधर तो अभी नहीं, अभी आपको ये प्रैक्टिस करना है शुरू में सबसे पहले उंगली पर ध्यान देना है हमेशा जब भी बजाएं, ये गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे बजाएं, इस पे देखिएगा ये हाथ, ये भी देखिएगा।
ठीक है, इसको आप लोग तैयार कीजिए, फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल इतना ही कीजिए, अभी आप लोग इसको तैयार कीजिए, फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद वाला पहला वीडियो यही है, इसको आप लोग तैयार कीजिए, फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।